रेक्टिफायर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। ये बेसिकली दो तरह का होता है, एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर पे बात करने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम किसे ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट कहते हैं। मान लें एक सर्किट में एक सेक्शन ये है, ये रेजिस्टेंस है और यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है और उस करंट को हम ग्राफ में प्लॉट करने वाले हैं। तो ये मान ले ग्राफ है, वाई एक्सिस इंडिकेट कर रहा करंट के मैग्नीट्यूड को और एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो किसी एक समय हमने देखा कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और वो 5 एम्पियर का है, तो हमने उस पॉइंट में, मान ले वो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, हमने इसे प्लॉट कर लिया यहाँ पर 5 एम्पियर। कुछ देर बाद हमने देखा कि करंट जो फ्लो कर रहा है वो अब 5 एम्पियर नहीं है, 2-3 सेकंड बाद हमने देखा और हमने ये पाया कि ये अब 3 एम्पियर है, तो हमने उसे प्लॉट किया, ये 3 एम्पियर कुछ यहाँ पर है। और कुछ देर बाद हमने देखा वो करंट जो है वो 2 एम्पियर का हो गया, डायरेक्शन वही है तो 2 एम्पियर का करंट हो गया कुछ इतना। फिर हमने देखा कुछ देर और बाद कि करंट अब ये बन गया फिर से 5 एम्पियर, तो हमने उसे प्लॉट किया तो 5 एम्पियर, तो करंट का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बना। और हमने आगे और उसे मेज़र किया तो हमने पाया करंट का जो ग्राफ है कुछ इस तरह का बन रहा है। क्या आप इसे ऑल्टरनेटिंग करंट कहेंगे या डायरेक्ट करंट कहेंगे? देखिए करंट का मैग्नीट्यूड वैरी कर रहा, तो क्या ये डायरेक्ट करंट है? डेफिनेशन के हिसाब से डायरेक्ट करंट होता है वो करंट जिसका डायरेक्शन चेंज ना हो। तो यहां पर करंट हमेशा इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा, लेफ्ट टू राइट, तो इस केस में करंट जो है ये डायरेक्ट करंट होगा, डीसी होगा। लेकिन वहीं पर एक और केस अगर हम कंसीडर करें कुछ दूसरे तरह का, जहां पर करंट का मैग्नीट्यूड तो वैरी कर ही रहा है, साथ ही साथ उसका जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जा रहा है। जैसे कि मान ले किसी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा 5 एम्पियर का, तो हमने उसे प्लॉट किया यहाँ पर, कुछ देर बाद हमने देखा वो 3 एम्पियर का हो गया, तो हमने उसे प्लॉट किया यहाँ पर, कुछ और देर बाद हमने देखा वो 1 एम्पियर का हो गया, डायरेक्शन वही है, तो हमने उसे कुछ यहाँ पर प्लॉट किया, और फिर कुछ देर बाद हमने देखा करंट इसमें है ही नहीं, 0 हो गया, तो हमने अब उसे प्लॉट जो किया वो यहाँ पर किया यहाँ पर। अब जो करंट का डायरेक्शन है वो बदल जाता है इस डायरेक्शन में, अब ये 2 एम्पियर हो जाता है, तो वो कुछ यहाँ पर प्लॉटेड होगा। तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और हम यहाँ पर देखें एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहे हैं, सो वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। इसी का मतलब है करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा। देखिए शुरू शुरू में ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, अब ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगा, तो करंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रहा है, इसी को हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट से आगे हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर तथा फुल वेव रेक्टिफायर पे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं बेसिकली ये काम कैसे करता है। तो इसके लिए मान ले एक सोर्स है, ऑल्टरनेटिंग नेचर का सोर्स है, तो ये फिगर जो है ये सोर्स वोल्टेज को दिखा रहा है, सोर्स वोल्टेज। सो इसमें जो करंट का फ्लो होगा किसी भी नॉर्मल सर्किट में, तो ये इसी तरह का करंट फ्लो करेगा। करंट का भी अगर ग्राफ बनाते हैं इस केस में, तो करंट भी वोल्टेज के साथ प्रोपोर्शनल होता है, तो करंट भी कुछ इसी तरह का फ्लो करेगा। अगर उसे हम ग्राफ में प्लॉट करें तो वो ऐसा ही होगा। लेकिन रेक्टिफायर क्या करता है, इस ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है और करंट का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। इसका मतलब जहां पर करंट को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए था, वहां पर करंट का फ्लो को यह बंद कर देता है, करंट फ्लो होने ही नहीं देता है। और यहाँ पर भी इस पार्ट में भी देखें, यहाँ करंट कुछ ऐसा फ्लो करना चाहिए था पर रेक्टिफायर ने उसे रोक दिया, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने नहीं दिया। और ये देखें ये जो पूरा वेव है
पूरा जो एक सोर्स का वेव है, ऑल्टरनेटिंग नेचर का जो वेव है, ये साइन वेव कहें या कोसाइन वेव कहें, ये जो वेव है इसका आधा को ये रेक्टिफाई कर रहा है और बाकी ये जो आधा है इसे ये डिस्कार्ड कर दे रहा है, यूज नहीं कर पा रहा है। इसीलिए चूंकि ये आधा वेव को ही रेक्टिफाई कर पाता है तो इसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। उसी तरह से फुल वेव रेक्टिफायर भी देख ले, मान ले ये सोर्स वोल्टेज का ग्राफ है और ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है ये इसे कुछ इस तरह से रेक्टिफाई करता है। यहां पर देखिए ये जो वेव जिसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर ने छोड़ दिया था इसे भी अब ये फुल वेव रेक्टिफायर रेक्टिफाई कर रहा है और वो सेक्शन आपको यहां पर दिख रहा है, ये वाला जो सेक्शन है। दोनों ही केस में देखें करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये करंट का ग्राफ है, करंट आउटपुट करंट का ग्राफ है, आउटपुट करंट, और ये इनपुट सोर्स वोल्टेज या इनपुट वोल्टेज का ग्राफ है। अब हम बात करेंगे कि इन दोनों रेक्टिफायर्स को, हाफ वेव तथा फुल वेव, इन दोनों रेक्टिफायर्स को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर किस तरह से बना हुआ होता है और वो काम कैसे करता है। तो इस फिगर में जो आपको दिख रहा है वो हाफ वेव रेक्टिफायर है। यहाँ पर ये ऑल्टरनेटिंग करंट का एक सोर्स है और ये एक पीएन जंक्शन है और यहाँ पर रेजिस्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पर चलिए जो ये सोर्स है उसका पोटेंशियल डिफरेंस को ग्राफ में हम प्लॉट करेंगे और इस लोड से जो करंट पार होगा, इस रेजिस्टेंस से, मुझे मुझे कहना चाहिए इस रेजिस्टेंस से जो करंट पास करेगा उसे भी हम यहाँ पर प्लॉट कर लेंगे। तो ये सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस है और ये जो ग्राफ है ये आउटपुट करंट का ग्राफ है। तो चलिए मान लेते हैं सबसे पहले ये पॉजिटिव टर्मिनल बना और ये जो साइड है ये नेगेटिव टर्मिनल बना। ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स है ना, नेचर का है, ऑल्टरनेटिंग नेचर का है, ये एसी सोर्स है। तो सबसे पहले ये पॉजिटिव एंड बना। तो जब ये पॉजिटिव एंड बना और ये पॉजिटिव एंड अगर पी साइड के साथ जुड़ा हुआ रहता है एक पीएन जंक्शन के, तो हमें पता है कि ये फॉरवर्ड बायस में होता है और ये करंट को अलाउ करता है, पास होने देता है करंट को, तो करंट यहाँ पास होने लगा। तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज था, मान ले कुछ इतना सा वोल्टेज था, तो इस वोल्टेज के कारण कुछ करंट भी यहाँ से फ्लो किया। हमने प्लॉट किया उस करंट को यहाँ पर इस ग्राफ में, तो हमने पाया कुछ इतना करंट फ्लो किया। जब पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल नहीं था तो करंट भी नहीं था, तो उसे हमने यहाँ पर प्लॉट किया, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, जीरो करंट। और कुछ देर बाद ये पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ा तो हमने उसे कुछ यहाँ पर प्लॉट किया, कुछ और बढ़ गया टाइम के साथ। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, करंट तो यहाँ फ्लो करेगा ही, फॉरवर्ड बायस में है, और करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, क्योंकि हमें ओहम्स लॉ से पता है कि वी इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ये तो इसका बेसिक प्रॉपर्टी है, ये तो चेंज नहीं होगा इस रेजिस्टर का, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो ये करंट भी बढ़ेगा। तो उस हिसाब से करंट बढ़ा, तो करंट बढ़ के कुछ इतना हुआ। इस तरह से हमने देखा कि कुछ देर बाद पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम पहुंचा, करंट भी उस समय मैक्सिमम हुआ कुछ ऐसा, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस घटा, करंट भी घटेगा ऑब्वियस सी बात है, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वापस ज़ीरो हो गया, करंट भी ज़ीरो हो गया। तो इसे जब हम प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ में तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। हमें पता है ऑल्टरनेटिंग नेचर का जो करंट होता है या सोर्स होता है उसका जो ग्राफ बनता है वो साइन वेव बनता है, और करंट का भी जो ग्राफ बनता है वो भी साइन वेव बनता है। तो यहाँ भी ग्राफ कुछ ऐसा बना। अब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस तो ज़ीरो हो गया, इसका मतलब टर्मिनल का जो पोटेंशियल्स है वो गायब हो गया, जो डिफरेंस है वो गायब हो गया। तो इसके बाद अब ये जो ऑल्टरनेटिंग नेचर का सोर्स है, ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स, उसका पोलैरिटी चेंज होता है। तो अब ये बन गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये बन गया अब नेगेटिव टर्मिनल। तो सोर्स जो है, अब सोर्स का पोटेंशियल या वोल्टेज अब ये नेगेटिव हो गया, उल्टा हो गया मुझे कहना चाहिए। तो अगर पिछला केस में हम उसे पॉजिटिव एक्सिस में, वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड में इंडिकेट कर रहे थे, अब हमें उसे नेगेटिव साइड में इंडिकेट करना होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस इस साइड में हो गया, लेकिन ये करंट को किस डायरेक्शन में सेंड करना चाहेगा, ये करंट को सेंड करना चाहेगा इस डायरेक्शन में। और यहाँ पर देखें पीएन जंक्शन का जो
पी साइड है वो पी साइड अब जुड़ा हुआ नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो ये अब रिवर्स बायस में चला गया। हमें पता है कि पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में करंट को अलाउ नहीं करता है, तो अब करंट फ्लो नहीं होगा। चाहे वोल्टेज कुछ भी हो जाए, यहां पर यहां वोल्टेज तो बढ़ रहा है, मुझे कहना चाहिए बढ़ रहा है इन द सेंस कि नेगेटिव साइड में बढ़ रहा है, लेकिन करंट थोड़ा भी फ्लो नहीं करेगा इसके कारण, कुछ भी यहां पर वोल्टेज बन जाए। यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक लिमिट होता है पीएन जंक्शन का, यहां रिवर्स बायस को रोकने का। बहुत ज्यादा अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसे कि जीनर वोल्टेज कहा जाता है, उस पॉइंट के बाद ये जो डायोड है ये खराब हो जाता है। इसे करंट का रोकने का जो एबिलिटी है इसका, रिवर्स करंट को रोकने का, वो एबिलिटी इसका खत्म हो जाता है। तो ये दूसरा मुद्दा है, किसी और वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। तो करंट इस समय फ्लो नहीं किया जबकि पोटेंशियल डिफरेंस रिवर्स बायस क्रिएट कर रहा था, लेकिन इसके बाद अब फिर से इसका पोलैरिटी चेंज होगा और पोलैरिटी चेंज होके पॉजिटिव टर्मिनल अब नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल अब पॉजिटिव बन जाएगा, वापस से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बना और पोटेंशियल डिफरेंस इस डायरेक्शन में फिर से हमें देखने को मिला। तो यहां से अब इस पॉइंट से, चूंकि अब फॉरवर्ड बायस में फिर से ये आ गया, करंट फ्लो होने लगेगा, तो करंट हमें फिर से दिखने लगा कुछ ऐसे। तो ये जो आपको दिखा, अब ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, जैसे कि हमने इससे पहले बात किया है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का ग्राफ है। हाफ वेव रेक्टिफायर जिस तरह से रेक्टिफाई कर रहा है इसे, देखिए ये एक पूरा वेव है, इस पूरे वेव में से सिर्फ आधा ये रेक्टिफाई करके हमें वापस दे रहा, रिटर्न दे रहा है। ये जो आधा है ये इस फील्ड से गायब है, तो इसीलिए इसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। और इसका कंस्ट्रक्शन तो आप समझ ही गए होंगे, और ये काम कैसे कर रहा है, ये सिर्फ इसी लॉजिक पे काम कर रहा, पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में करंट को रोक देता है। अब चलिए देखते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर किस तरह से काम करता है और इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो इसके लिए मान ले कि ये एक अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है और यहाँ पर एक प्राइमरी कॉयल लगा हुआ है और इसी के आसपास एक सेकेंडरी कॉयल भी है। तो जैसे ही अल्टरनेटिंग करंट यहाँ से फ्लो करेगा प्राइमरी कॉयल से, तो सेकेंडरी कॉयल में म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा। तो यहाँ पर चीज़ों को आसान रखने के लिए मैं इसे, इस सेकेंडरी कॉयल को सोर्स मान के चलूँगा। अगर इसे सोर्स मानूंगा तो कुछ प्रॉब्लम्स है, इस पर बात करेंगे। तो इसे मैं सोर्स मान के चलूंगा इस सेकेंडरी कॉयल को, और उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा उसी को मैं मानते हुए चलूंगा कि सोर्स ईएमएफ है। मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि अगर मैं इसे सोर्स मानूंगा तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा जब हम ग्राफ बनाएंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब इस सोर्स में पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा, इस प्राइमरी कॉयल में पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा, उस समय इस सेकेंडरी कॉयल में इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा, और जिस समय इस प्राइमरी कॉयल में पोटेंशियल डिफरेंस या फिर कहें यहाँ करंट जो है वो जीरो होगा, तब सेकेंडरी कॉयल में इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो नहीं होगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो है उसे कंसिडर करना होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखना है तो हमारे चैनल में जो प्लेलिस्ट है, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट का प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को विजिट करें तो इस पे काफ़ी डिटेल्स में आपको इस पे चर्चा मिलेगा। तो चीज़ों को आसान रखते हुए हम मानेंगे ये है सोर्स। तो ये सोर्स मान ले किसी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो करवाना चाहता है कि नीचे से ऊपर की तरफ करंट फ्लो करे, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करे। इसके लिए हम सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस और आउटपुट करंट का जो ग्राफ है उसे प्लॉट करेंगे। तो हम मानते हैं, चलिए नीचे से ऊपर की तरफ इस सोर्स के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इस समय ये मान ले चाहता है ऊपर की तरफ करंट फ्लो करे इस इंडक्टर से, तो हमने उसे पॉजिटिव मान लिया, हमने उसे प्लॉट किया, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ हमें यहाँ पर दिखा कुछ इस पॉइंट में। तो अब देखिए, ऊपर एक सर्किट है, नीचे एक सर्किट है, दोनों में पीएन जंक्शन जुड़ा हुआ है और ये है रेजिस्टर। यहाँ पर हम देखेंगे करंट कैसे फ्लो करेगा। क्या ऑल्टरनेटिंग नेचर का सोर्स होने के कारण इस रेजिस्टेंस में जो करंट है ये
ऑल्टरनेटिंग होगा या फिर डायरेक्ट होगा। तो अब करंट फ्लो करना चाहता ऐसे ऊपर वाले सर्किट में और नीचे वाले सर्किट में ऐसे, क्यों? क्योंकि करंट फ्लो करना चाहता है, ये जो इंडक्टर है ये करंट को फ्लो करवाना चाहता है नीचे से ऊपर की तरफ, तो इस सर्किट में ये फ्लो करेगा कुछ इस डायरेक्शन में। तो अगर आप देखें इस पीएन जंक्शन को, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहता है पीएन जंक्शन के पी साइड से एन साइड की तरफ, तो ये फॉरवर्ड बायस में है। लेकिन यहां पर इस दूसरे वाले पीएन जंक्शन में देखें करंट फ्लो करना चाहता है एन साइड से लेके पी साइड की तरफ, तो ये रिवर्स बायस में है। तो इस सिचुएशन में नीचे वाले सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि ये जो है ये पीएन जंक्शन ये डायोड उसे रोक देगा। ऊपर वाले सर्किट में करंट फ्लो करेगा, तो ऊपर वाले सर्किट में जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो करंट का डायरेक्शन इस रेजिस्टर से देखें इस डायरेक्शन में होगा। तो चलिए इसी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हुए चलते हैं, दाहिनी ओर से बाई ओर अगर करंट फ्लो करेगा इस रेजिस्टर के तभी हम उसे पॉजिटिव मानेंगे। तो हमने देखा कुछ इतना करंट है और कुछ देर बाद हमने देखा कि सोर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ा क्योंकि ऑल्टरनेटिंग नेचर का है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा फिर घटते जाएगा, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये बढ़ा और ये ज़्यादा करंट ड्रॉ करना चाहता है। डायरेक्शन यही होगा करंट का, नीचे वाले सर्किट में भी वही वही चीज़ होगा, नीचे वाले सर्किट में रिवर्स बायस होगा, ऊपर वाले सर्किट में फॉरवर्ड बायस होगा और करंट का जो मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड अब बढ़ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, करंट भी बढ़ गया। तो इस तरह से हमने पाया कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते साथ करंट भी बढ़ा और फिर एक समय आएगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो करंट भी जीरो हो जाएगा। ये सिचुएशन कुछ इस ग्राफ में ऐसा बनेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ है और ये करंट वाला ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। उसके बाद क्या होगा, इसका पोलैरिटी चेंज होगा और ये अब करंट को इस डायरेक्शन में ड्रॉ करना चाहेगा ये जो इंडक्टर है। तो करंट अब ऊपर वाले सर्किट में इस डायरेक्शन से फ्लो करना चाहता है इस डायरेक्शन में, तो अगर आप देखें इस पीएन जंक्शन के थ्रू ये जो फ्लो करेगा ये रिवर्स बायस में करेगा। नीचे वाला सर्किट में देखें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहता है, तो यहाँ से देखें इस पीएन जंक्शन से फॉरवर्ड बायस से करंट फ्लो करेगा। तो अब नीचे वाला सर्किट जो है वो अलाउ करेगा करंट को, ऊपर वाला सर्किट जो है वो अलाउ नहीं करेगा क्योंकि ये पीएन जंक्शन जो है ये रिवर्स बायस में चला गया है और ये पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है। तो नीचे वाले सर्किट में करंट है, ऊपर वाले में नहीं है। तो ध्यान से देखिए नीचे वाले सर्किट में करंट किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में था। तो इस रेजिस्टर से करंट का जो फ्लो है अब भी उसी डायरेक्शन में है, तो करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये जो सोर्स है ये भले ही अपना पोलैरिटी चेंज कर लिया हो लेकिन करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। अब वापस वही चीज़ होगा, अब ये पोलैरिटी चेंज करके फिर से इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस बनाएगा और यहाँ पर करंट उसी डायरेक्शन से फ्लो करेगा। अब जो होगा ये ऊपर वाला सर्किट एक्टिवेटेड होगा। तो यहाँ पर ये देखें ये पूरा वेव को रेक्टिफाई कर रहा था, पिछले केस की तरह नहीं जहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर सिर्फ आधा वेव को ही रेक्टिफायर करता है, यहाँ पर देखें फुल वेव रेक्टिफायर पूरा का पूरा वेव को रेक्टिफाई कर रहा, पूरा यूटिलाइज कर रहा है यहाँ पर सोर्स को। तो चूंकि ये पूरा वेव को रेक्टिफाई करता है इसीलिए हम इसे फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जाते जाते ये बता दूं कि इस वीडियो को जिस प्लेलिस्ट में रखा जाए, क्लास 12th के सेमीकंडक्टर के प्लेलिस्ट में रखा जाएगा इसे, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।